टीम जाए भाड़ में, फाइनल में भारतीय टीम का दुर्दशा से फैंस में छाई मायूसी। वहीं कोहली गिल ड्रेसिंग रूम में हंसते हुए चटकारे का ले रहे आनंद। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बुधवार से शुरू हो गया है। इस मैच में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मैच के लगातार दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा कायम रखते हुए मैच में मजबूत पकड़ बनाई। दूसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी में महज 151 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। जहां टीम के प्रदर्शन से प्रशंसक काफ़ी निराश है, वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में खूब मस्ती कर रहे हैं। विराट कोहली और शुभमन गिल चिल करते हुए मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर क्लास लगाई। जहां भारत की पहली पारी में 469 रनों के जवाब में बल्लेबाजी को काफ़ी निराशा हाथ लगी। जहां टीम के शीर्ष क्रम में निराशाजनक प्रदर्शन किया और कोई भी बल्लेबाज 20 के आंकड़े को पार नहीं कर सका। इस दौरान भारतीय क्रिकेट के किंग कोहली 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने 13 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद जहाँ एक तरफ फैंस भी काफ़ी मायूस दिखे, वहीं दूसरी तरफ ये दोनों खिलाड़ी आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में हंसते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों साथ में खाना खाते नजर आ रहे हैं। इन दोनों का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस दोनों को जमकर ट्रॉल कर रहे हैं। जडेजा और रहाणे ने संभाला। पहली पारी में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फैल रहा है। भारत का कोई भी खिलाड़ी 20 के आंकड़े को पार नहीं कर सका, जिससे टीम का स्कोर एक समय 4 विकेट खोकर 71 रन हो गया। इसके बाद 18 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला। शीर्ष क्रम के फ्लॉप होने के बाद अजिंक्य रहाणे ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पारी को थोड़ा संभाला और 5वें विकेट के लिए 71 रन की अर्धशतकीय साझेदारी की। जडेजा ने इस दौरे पर कुछ बड़े शॉट लगाए, वह 48 रन बनाकर नाथन लायन का शिकार बने, जबकि अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर KS फरीद की क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।